खबर पानी से हो रहे परेशानी की करते हैं। देश के कई राज्यों में बारिश से भारी तबाही हुई है और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक आफत की बारिश हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में नदी के किनारे बने मंदिर डूब गए हैं और नदी का पानी लोगों को डरा रहा है। श्रद्धालुओं को फिलहाल घाट के पास ना जाने की हिदायत दी गई है। मंदिरों में पूजा भी रोक दी गई है और गोदावरी नदी उफान पर है और नदी के किनारे वाले इलाकों में लोगों को अब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये, अब तक आप गुजरात की तस्वीर देख रहे थे लेकिन अब आपको हम नासिक की तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में भी लगातार जो बारिश हो रही है उससे वहाँ की नदियों में सैलाब आ गया है। और यहाँ पर आप देखिए गोदावरी नदी जो नासिक से यहाँ से गुजर रही है, इसके आसपास तमाम घाटों के पास मंदिरें नजर आ रहे हैं, लगभग सभी मंदिरें डूब चुकी हैं और यही वजह है कि लोगों से कहा गया है कि वो नदी के किनारे ना जाएं और पूजा पाठ अब बंद है मंदिरों में। और ख़ास तौर पे जो आप मकान देख रहे हैं आसपास नदी के बिल्कुल जो घाटों से सटे हुए हैं वहाँ पर भी अब लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो गई क्योंकि पानी अंदर की ओर जा रहा है। और देखिए कि जो मंदिर है लगभग यहाँ पर पाँच फीट के करीब पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं पर 4 फीट कहीं पर 5 फीट तक पानी भर गया है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो पानी है शहर के अंदर तक काफ़ी घुस चुका होगा और कई जो मंदिर हैं आसपास घाटों के पास देखिए पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो आप मंदिरों को देख के अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आखिरकार आम तौर पर यानी अमूमन ये पानी कितना कम रहता होगा और कहाँ तक पानी रहता होगा कि वहाँ तक मंदिर हैं, यानी कि बीचों बीच भी कई मंदिर आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बरसात का मौसम है, हर जगह से लगातार बारिश की वजह से जो पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, अब वही वजह है कि अब नदी उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जो आसपास तमाम मंदिरें हैं डूब चुकी हैं। लेकिन लोगों के लिए अब दिक्कत ये हो जाएगी कि जो वे पानी है जब आगे धीरे धीरे शहर के अंदर दाखिल होगा तो लोगों के लिए आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्थि विसर्जन के लिए आए थे लेकिन घाट पे देख रहे हो आप पानी तो है, तो थोड़ा दूरी से करना पड़ा सुरक्षा की देखते हुए। ऐसा है यहाँ पे अभी पानी बढ़ गया है, बारिश बढ़ गई है, लोग यात्रा करो आए हैं यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं या पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा है। और पार्किंग का भी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है, गाड़ी भी वहीं रुक देते हैं, वो रोड का काम चालू है तो उसके वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है बिल्कुल। वो जल्दी जल्दी करना चाहिए रोड का काम। और ये लोगों का जो यात्री लोग इतने कलकत्ता से आए, कोई बम्बई से आए, कोई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और उनको बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पे। और महाराष्ट्र की तरह भोपाल में भी बारिश से बड़ी तबाही हुई है। भोपाल में 17 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया है और अगले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी है, तो इन्हें भारी बारिश हो सकती है और लोगों को इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उड़ीसा में बने लो प्रेशर एरिया के चलते पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है और बीते 3 दिनों से राजधानी भोपाल में इसी तरीके की बारिश का नजारा लगातार दिख रहा है। 48 घंटों की बात करें तो तकरीबन 8 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। तकरीबन 17 सालों में ये पहली बार है जब आफत की बारिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। और ये भोपाल पुराने भोपाल का सेफिया कॉलेज इलाका है जहां की सड़कें डूबी हुई है और इस तरीके से पानी में डूबने के चलते देख रहे हैं गाड़ियां भी बंद हो रही है एक के बाद एक और किस तरीके से पानी का कहर दिखाई दे रहा है ये आप समझ सकते हैं। गाड़ियां जो है वो आधी आधी भीगी हुई है और यही हाल यहाँ की निचली बस्तियों में है। और बीते रात के 11 बजे के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है, हल्की बारिश जरूर थमी और एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाड़ी पानी के चलते बंद हो गई है। इसी तरीके का नजारा भोपाल की तमाम सड़कों पर अब दिखाई दे रहा है जहां पर जो तेज जल भराव के कारण पानी है वो इकट्ठा इसी तरीके से हो रहा है। व्यस्तम सड़क है पुराने भोपाल की जो नए भोपाल से जोड़ती है। और एक और सामने आपको तस्वीरों में दिखेगा ये जो स्कूटी है इनकी ये यहाँ पर बंद हो गई है और जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर अगले 24 घंटे लगातार जारी रहना है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश जो बताई गई है वो हरदा सीहोर और रायसेन में बताई गई है। वहीं भोपाल खंडवा बैतूल और बुरहानपुर देवास शाजापुर धार और नर्मदापुरम में भी हैवी थंडर स्टॉर्म की बात कही गई है और
एक के बाद एक जो यहां पर गाड़ियां आ रही हैं, हम लगातार यहां पर आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से बंद हो रही है तमाम भोपाल का जो पुराना इलाका है और निचली बस्तियां हैं, वो तेज बारिश के चलते जो उनके लिए अब आफत की बारिश हो गई है वो साबित हो रही है। हालांकि निचले इलाकों से पानी निकलता जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।